भक्त उस प्रकार के हैं, अगर हमारे पास गुलामी भी आ जाएगी ना फिर से जी, तो पता है क्या कहेंगे, हम पहले गुलाम नहीं थे क्या? ये कहेंगे, ये ऐसे तुलना देंगे। ये वो लोग हैं जो अगर आज बीजेपी के शासनकाल में बलात्कार हो जाए ना अपनी बहन का जी जी, तो ये कहेंगे क्या पहले बलात्कार नहीं होता था? हम और आप सब जानते हैं इस देश में चार स्तंभ हुआ करते थे, चारों स्तंभों पर सरकार ने अपने आप को काबिज कर दिया, आज कोई स्तंभ नहीं छोड़ा। मीडिया जो चौथा स्तंभ होना था उसको भी आज इतनी पत्रकारिता जगत में इतनी थू-थू हो रही है कि उसको गोदी मीडिया कहकर बुलाया जा रहा है। मैंने इससे ज्यादा पत्रकारों की बेइज्जती नहीं देखी। सत्य कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, होती है जिनके हौसलों में उड़ान, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ये किसान उन नदियों जैसा है, इसको जितना रोकने का प्रयास करोगे ये उतना बढ़ता चला जाए। सरकार का काम है रोकना, वो रोके, नदियों का काम है बहना, वो बहेगी, और अगर उसको रोकोगे तो डैम बन जाएगी, पर जिस दिन टूटेगा तो सैलाब लाएगी, ये सैलाब लाएगी। भाई इनने अपनी राजशाही के लिए समलैंगिक विवाह कानून पास कर दिया, अच्छा। क्योंकि इनको बड़ी दिक्कत आती थी, घर से निकल जाते थे घर छोड़ छोड़ के, भाई करेंगे क्या? तभी तो मैं कहता हूँ विकास कैसे पैदा होगा जब आदमी आदमी से शादी कर लेगा, यार कैसे विकास हो पाएगा? मोदी जी की मम्मी का सपना था कि ये विकास घर में पैदा करे, जो घर में विकास पैदा नहीं कर सका वो देश में क्या विकास पैदा करेगा? जब इसको घर की जिम्मेदारी दी तो ये घर छोड़ के भाग गया, जब इसको देश की जिम्मेदारी दी तो ये देश छोड़ के भाग गया। इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है हमारा। ये आंदोलन आजादी के आंदोलन से कुछ कम नहीं बैठ रहा है। मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ और इस किसान आंदोलन से लगभग मेरे को 20 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, और आप देख सकते हैं इस आंदोलन के माध्यम से एक सच्चे भारत की तस्वीर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना जात धर्म बिना मजहब के लोग एक दूसरे का सेवा सहयोग कर रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से आपको वास्तविक भारत दिखेगा, जैसा भारत मेरे क्रांतिकारी लोग चाहते थे, मेरे क्रांतिकारी भाई चाहते थे, जहाँ अमन चैन सुकून हो, ऐसा भारत हम बनाना चाहते थे। और जो इस आंदोलन में देखने मिला इससे अच्छा स्वरूप इस किसी भी आंदोलन का नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कभी आज़ादी के आंदोलनों में भाग लूंगा, लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये आंदोलन आज़ादी के आंदोलन से कुछ कम नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमन चैन और सुख शांति भी है। तो ये बात जो बार बार उठ के आती है ना, विकास वाली, तो मोदी जी पे तंज है मेरा। देखो भाई, मोदी जी की मम्मी का सपना था कि ये विकास घर में पैदा करे, जो घर में विकास पैदा नहीं कर सका वो देश में क्या विकास पैदा करेगा? जब इसको घर की जिम्मेदारी दी तो ये घर छोड़ के भाग गया, जब इसको देश की जिम्मेदारी दी तो ये देश छोड़ के भाग गया। इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है हमारा। तो भाई ये कैसे विकास होता है? विकास होता है या रुकने से, घर के अंदर रुकने से, देश के अंदर रुकने से कैसे विकास होगा जी? बात विकास की करते हैं बार बार, कहते हैं किसानों को ये कानून समझ में नहीं आ रहा। भाई किसानों को ये कानून समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई चीज है ही नहीं। कहते ये है कि आपकी जमीन नहीं हड़पी जाएंगी, तो क्या हड़पना चाहते थे क्या हमारी जमीन है? भाई ये कोई फायदा तो नहीं हुआ जी। जमाखोरी नहीं होगी, ये कोई फायदा तो नहीं हुआ, ये तो नुकसान बता रहे हो आप हमें, मतलब हमें पता पड़ गया तो अब आप पुचकार के बुला रहे हो, तो ये तो सरकार की गलतफहमी है। और बात ये है समझाने ना समझाने की, भाई जो व्यक्ति बताओ जनता को, किसी को भी आज तक नोटबंदी का फायदा नहीं समझ आ रहा, GST के फायदे व्यापारी नहीं समझ पा रहा, और आज कहते हैं किसान कानून जो लेके आ रहे हैं किसानों के लिए उसका फायदा किसानों को समझ नहीं आ रहा। यार जो अपनी बीवी को नहीं समझा पाया शादी के फायदे, वो हमें क्या समझाने चला ये सब बातें जी जी, वो क्या समझाएगा हमें? हमें सब समझ आ रहा है, यहाँ सब रोटी खाते हैं गोबर नहीं खाते, उनका वो एक है ना संबित पात्रा, उसको हम गोबर पात्रा कहते हैं, उसके मुंह में गोबर भरा है, वो जब जब बोलता है गोबर निकालता है अपने मुंह से, उसके मोदी जी से 377 वाले संबंध है, 377 वाले। भाई इनने अपनी राजशाही के लिए समलैंगिक विवाह कानून पास कर दिया, अच्छा। क्योंकि इनको बड़ी दिक्कत आती थी, घर से निकल जाते थे घर छोड़ छोड़ के, भाई करेंगे क्या? तभी तो मैं कहता हूँ विकास कैसे पैदा होगा जब आदमी आदमी से शादी कर लेगा, यार कैसे विकास हो पाएगा? ये तो आपस में ही विवाह कर लेते हैं ना, तभी तो उन्हें घर की याद नहीं आती, बीवियों को छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे विकास नहीं होता। हाँ वो इसलिए क्योंकि लगता है सारा काला धन निकाल कर मोदी जी ने उसी के खाते में डाल दिया, इसलिए उसे लग रहा है कि मोदी समझदार है। भाई हमें मिल जाता तो हम भी कहते मोदी समझदार है, हमारे तो कुछ नहीं मिला, हमारे तो ये हो रहे कि हमारे पड़ोस में एक उसकी शिलाजीत खा के अकड़ गया, ये हमारे फायदा दिखा रहा है जी। हाँ हम तो कह रहे हैं उसको ढूंढ के लाओ, वो सलवार सूट में लेके भागा था रामदेव, जाने हमारी एक एक बहन है, वो उसका सलवार सूट था, वो आज तक देने नहीं आया,
हम कह रहे हैं वापस आ जा भाई, इस आंदोलन में आ जा, हम तुझे मर्द बना देंगे, हमारे पास भी एक चवनप्राश है उसको खिला देंगे। अच्छा भाई देखो, विरोधियों का और सरकार का काम है रोकना, वो रोके, नदियों का काम है बहना, वो बहेगी, और अगर उसको रोकोगे तो डैम बन जाएगी, पर जिस दिन टूटेगा तो सैलाब लाएगी, ये सैलाब लाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। इनके लिए एक शेर है मेरे, एक चार लाइन पढ़ूंगा, सत्य कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, होती है जिनके हौसलों में उड़ान, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ये किसान उन नदियों जैसा है, इसको जितना रोकने का प्रयास करोगे ये उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना बढ़ जाएगा उस दिन ये बांध तोड़ देगा, और टूटेगा तो सड़क से लेकर संसद तक किसानी दिखाई देगा आपको। हम और आप सब जानते हैं इस देश में चार स्तंभ हुआ करते थे, चारों स्तंभों पर सरकार ने अपने आप को काबिज कर दिया, आज कोई स्तंभ नहीं छोड़ा। मीडिया जो चौथा स्तंभ होना था उसको भी आज इतनी पत्रकारिता जगत में इतनी थू थू हो रही है कि उसको गोदी मीडिया कह के बुलाया जा रहा है। मैंने इससे ज्यादा पत्रकारों की बेइज्जती नहीं देखी, आज पत्रकारों को तक को कैप्चर कर लिया, इनने हर चीज को कैप्चर कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर कर रखे हैं ये लोग। इसलिए तो दबाव में राम मंदिर का फैसला निकलवाया है और घर घर जाकर राम मंदिर के नाम पर रसीदें काट रहे हैं, पिछला चंदा बता नहीं रहे हैं कि कहां गया राम मंदिर के नाम का, और ये नया चंदा करने जा रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। यारे ये राम मंदिर के नाम पे जो इनने गुनाह किया है ना, गुनाह है ये, गुनाह जो करके बैठे हैं ये लोग, क्योंकि वहां अस्पताल बना देते राम के नाम से तो शायद अच्छा होता, वहां पर अगर शिक्षा का संस्थान बना देते तो अच्छा होता, पर इनने ये सबूत मिटा रहे हैं। क्या है, कल को ये पर्चियां काट रहे हैं, इसमें जन सहयोग बता रहे हैं, जिससे कल को सुप्रीम कोर्ट जांच बैठेगी ना तो ये उसको बता पाएंगे लाके कि ये हमने क्या कहते हैं, लोगों का सहयोग लिया और सबकी मंशा थी इस मंदिर को बनवाने में। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अगर देना होता तो फैसला कब का दे देती। अच्छा और, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से चल रहा है ना, इसलिए तो इतनी मजबूती से कह रहे हैं वो लोग कि कानून वापस नहीं होगा। अरे भाई ये स्पष्ट दिख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो चुकी है, और उसी लोकतंत्र को बचाने आज किसान आंदोलन में हम लोग बैठे हैं, और हम क्रांतिकारी लोग हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं वो पंडित हूं जिसकी रगों में चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है, उस पंडित का खून बहता है मेरी रगों में, ये दल बड़ बे अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू का खून नहीं बहता, मेरे उन नेताओं का खून नहीं बहता, और मोदी जो है ना, मोदी उन ब्राह्मणों का महापुरुष हो सकता है जो बीजेपी में हो, मेरे महापुरुष तो चंद्रशेखर आजाद थे जिनने क्रांति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, जो कल भी आजाद थे और आज भी आजाद है हमारे रूप में, हम उन्हें लेके चलते हैं अपने अंदर। ये तो देखिए, ये सेना को भी इनने प्रताड़ित करके रखा है, उनकी पेंशनें काट दी हैं, उनके जो उनका जो सेना का एक स्टोर होता था अलग से जहां से सामान मिलता था, उस सामान में कटौती ला दी है, इनने हर क्षेत्र में लोगों को दबाव बनाकर उनको ठग लिया है, उनसे पैसा छुड़ा लिया है, हर व्यक्ति को गरीब कर दिया है आज। तो ये तो भाई, ये तो सेना और उनके बीच का मामला है, और मुझे लगता है कि जो देश के लिए निकल पड़ा है ना तो वो घर देखता है ना ही वो अपना बैकग्राउंड देखता है। जैसे मैं घर छोड़ के आज पढ़ा हूँ, वो सेना छोड़कर आ गए होंगे, तो ये सेना का मामला है। अगर वो लोग दे रहे हैं सपोर्ट तो मुझे लगता है सारे सैनिकों को आना चाहिए, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा, देश नहीं बचेगा, तो आप फिर किसके लिए जिएंगे, फिर काय का देश धर्म कहलाएगा आपका। तो मुझे लगता है देश हित में उठ रहा है इस आंदोलन में सबको आना चाहिए और इस लोकतंत्र को बचा लेना चाहिए, अन्यथा हम जन्मों जन्मों की गुलामी के लिए फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि ये भक्त उस प्रकार के हैं, अगर हमारे पास गुलामी भी आ जाएगी ना फिर से जी, तो पता है क्या कहेंगे, हम पहले गुलाम नहीं थे क्या, ये कहेंगे, ये ऐसे तुलना देंगे। ये वो लोग हैं जो अगर आज बीजेपी के शासनकाल में बलात्कार हो जाए ना अपनी बहन का जी, जी। तो ये कहेंगे क्या पहले बलात्कार नहीं होता था, इतनी अंधभक्ति इनके सर पे चढ़ गई, इन्हें कौन समझाएगा यार। ठीक है।